देखो तो, शारदा ने छुट्टी कर ली, वहां लो। क्या हुआ है? नहीं, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ नहीं नहीं तबीयत तबीयत ठीक है मेरी। फिर क्या हुआ? अम्मा फाखर मुझसे नाराज है। उसको क्या हो गया? मुल्क से बाहर जाना चाहता है वो पढ़ने के लिए, लेकिन मैं मान नहीं रही हूँ और ना ही बड़ी अम्मी मान रही हैं। चाहता है कि मैं बड़ी अम्मी से इजाज़त लूँ, उसके लिए उनको मनाऊँ। बाहर जाना चाहता है? इसको अचानक बाहर जाने की क्या सूझी? तुम्हारा और अनाया का क्या होगा? यहाँ भी तो पढ़ सकता है। यही बात तो मैं बड़ी अम्मी उसे 100 दफ़ा समझा चुके हैं, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। उसके सारे दोस्त बाहर चले गए शायद, इसलिए उनके साथ ही तो ग्रुप स्टडी करता था। उनकी और वजूहात होंगी, इसको अपनी वजूहात का पता है ना कि वो नहीं कर सकता इस तरह। वही तो, लेकिन जिद पकड़ के बैठा हुआ है। अब उसने जिद पकड़ लिया तो फिर पकड़ लिया। शायद इसलिए खफा है मुझसे, तो चाहता है कि मैं बड़ी अम्मी को मनाऊं, लेकिन मैं खुद राजी नहीं हूं तो मैं उनको कैसे मनाऊं। और उसको पता है कि अगर मैं मान गई ना तो फिर बड़ी अम्मी भी मान जाएंगी। तुम समझाओ उसे, 200 लड़के हैं यहाँ पर, नौकरियां करते हैं, कारोबार करते हैं, इसको पता नहीं क्या सोची है बाहर जाने की अचानक। मेरी नहीं सुन रहा मैं, कितनी दफा समझाओ उसे। जिद्दी हो गया जब से भाई साहब गए ना, किसी की नहीं सुनता। कहने को तुम्हारा बाप जो है ना उसका चाचा है, लेकिन यहाँ ना चाचा की ना फुप्पा की किसी की नहीं सुनता। फाखिर तुम परेशान मत हो, मैं भाभी से बात करूंगी और सायका आपस से भी, हम सब मिलकर समझाएंगे, समझ जाएगा। सही है, एक काम करो, फाखिर का नाश्ता लेकर जाओ, चलो। अम्मा वो याद आया, फाखिर आज घर पे नाश्ता नहीं करेगा। बात तो वो मुझसे कर नहीं रहा है, लेकिन मैसेज किया था उसने मुझे, और शायद इसलिए किया था कि अपनी नाराज़गी ना रजिस्टर कर पाए। कह रहा था दोस्तों के घर पे करेगा नाश्ता। अच्छा खैर, तुम सबके लिए नाश्ता लेकर जाओ, और हाँ फैम पप्पो को भी बुला लेना, कब से पुरानी बात लेकर बैठी हुई हैं। सही, चला की निछाती।